हाय व्यूअर्स, आज है कुछ स्पेशल, बहुत ही स्पेशल। क्या आप लोग गेस कर सकते हो? आज है प्रशांत जी का बर्थडे। सो विश तो मैंने उनको कर दिया है, बाकी मैंने और भैया ने उनके लिए कुछ सरप्राइज भी प्लान किया हुआ था। तो उनको अभी तक पता नहीं है कि मतलब हम कुछ सरप्राइज ही प्लान किए। उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब कल उनको विश वगैरह किए थे और गिफ्ट वगैरह दिए थे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि बस इतना ही। मतलब उनको नहीं पता है कि हम लोग मतलब और भी मतलब सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो अभी उनको हम लोग सरप्राइज देंगे और उनका क्या रिएक्शन होता है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और आप लोग भी ज़रूर कमेंट करना कि सरप्राइज़ आप लोगों को भी कैसा लगा है, ठीक है? फिलहाल उनको तो अभी कुछ आइडिया नहीं है, उनको बोला है कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसलिए रेडी होने के लिए। तो भैया भी उनको रेडी करके ला रहे हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ। हमने मतलब वो ब्लैक पहन के आ रहे हैं ना, ब्लैक, तो मैं भी मैच करके ब्लैक ही पहनी हूँ। और कैसा लग रहा है आउटफिट आप लोग कमेंट करना। 5 बजे हम लोग को निकलना है कैफे में और हम लोग उसी कैफे में जाने वाले हैं जहाँ पिछले बार भी गए थे, ठीक है? सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मेरा बर्थडे है, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सभी को, मतलब इतने सारे लवली विशेस के लिए। आप लोग जो इतने रात तक जाग के प्रसु लवर्स, मतलब आप लोग जो इतने रात तक जाग के मेरे को विश किए, उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। रात में तो हम जागे हुए नहीं थे जिसके कारण किसी को रिप्लाई मेंशन बैक वगैरह कुछ नहीं कर पाए, लेकिन सुबह उठ के हम सारा कुछ चेक किए, टैग्स मेंशन सब कुछ चेक किए, तो पता चला कि आप लोग रात में 12 बजे जागे हुए थे मेरे लिए। तो ये चीज़ बहुत मैटर करता है, ठीक है? इतना सारा प्यार, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब सुबह सुबह उठ के इतने धूप में हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज बर्थडे है, तो बर्थडे के दिन थोड़ा भगवान को प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए सुबह सुबह उठ के नहा धोवा के निकल चुके हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, ठीक है? यहाँ न्यू टाउन में जहाँ रहते हैं वहाँ से तो मेरे को अच्छे से नहीं पता है कि मंदिर कहाँ पर है, लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से एक पास में छोटा सा मंदिर है जहाँ पे काली माँ और शंकर भगवान का वहाँ पे मूर्ति है, तो वहीं पे अभी फिलहाल आ चुके हैं। ये है शंकर भगवान और काली माँ का मंदिर, तो अभी फिलहाल भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं ताकि आज का दिन अच्छा हो और आगे भी पूरा साल अच्छा हो मेरा। आप लोग भी काली माँ और शंकर भगवान का दर्शन कर लो, ठीक है? और हम भी दर्शन करके प्रणाम कर लेते हैं ना। नीचे हैं हमारे गणपति बप्पा मौर्य, गणेश भगवान जी भी हैं यहाँ पे, और इधर है शिवलिंग, ठीक है? इधर है हमारे बजरंग बली जी, देख सकते हो आप लोग, हमारे बजरंग बली जी भी इधर हैं। और इधर है हमारे श्री राम भगवान जी, सीता मैया, श्री लक्ष्मण भगवान जी। तो अभी फाइनली भगवान का दर्शन हो गया है और बहुत अच्छा फील हो रहा है भगवान का दर्शन करके। घंटी बजाना तो भूल ही गए। चलो फिर सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो गए और आप लोगों का इतना प्यार मिल गया रात में ही, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए मेरे को। बाकी शबनम और भैया मिलके कुछ प्लान किया शायद शाम में, वो तो शाम होने के बाद ही पता चलेगा। अभी मेरे को कुछ आइडिया नहीं है क्या है क्या नहीं है, बाकी कुछ तो प्लानिंग चल रहा था उन लोगों का। बाकी आप लोगों को ब्लॉग से कहीं नहीं जाना है, ब्लॉग में बने रहना है पूरा अगर देखना है सारा कुछ तो, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड, अभी चलते हैं रूम पे। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है न्यू टाउन में, देखा जाए तो बिहार के कंपेरिजन में तो बिहार से ज़्यादा ही गर्मी है। वहाँ पटना में तो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं था, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, मतलब रूम में भी पसीना ही चल रहा है। ये गाइस शबनम के तरफ से दिया गया है मेरे को इतना बड़ा कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क का डब्बा। ये एक्चुअली वो खुद के लिए दी है ताकि वो खुद खा पाए, ये उनका फेवरेट है इसीलिए वो इतना बड़ा डब्बा दी है। और मेरे को क्या बोली कि पूरा खाना मत, एक आध खा लेना इसके अंदर से और फिर मेरे पास लेके आ जाना।
बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज। और गाइस अभी जो ये शर्ट और टी शर्ट दिख रहा है मेरे बॉडी पे, ये भी एक्चुअली शबनम के द्वारा दिया गया है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। फर्स्ट टाइम कोई गिफ्ट मिला मेरे को जो मेरे बॉडी पे फिट आ रहा है, तो फिर हम खुद से भी लेते जो कपड़ा सब, वो भी मेरे पे फिट नहीं आता, फिटिंग कराना पड़ता है। लेकिन फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा मिला है मेरे को टी शर्ट और शर्ट जो मेरे पे फिट आ रहा है। थैंक यू। रेडी होके क्यों आए हो? हम रेडी इसलिए होके आए क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कानों कान खबर मिला है कि ये लोग जो कैमरे के पीछे हैं और ये जो कैमरे के सामने हैं, ये लोग मिलकर कुछ प्लान किए हैं। तो भाई नंगा पुंगा पहुंच जाएंगे या उसके बाद ऐसा कुछ सरप्राइज कर देगी, क्योंकि बहुत सारा वीडियोस वगैरह हम भी देखे हैं कि ऐसे ही जाके सरप्राइज कर देते हैं। तो हमको लगा ऐसा कुछ सरप्राइजिंग वगैरह होगा, तो उसके लिए हम कपड़ा सपड़ा पहन लिए हैं, ठीक है। मतलब एक बार कपड़ा दिखा दे, इसके लिए बुलाए थे आप। अच्छा बताओ, गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है गाइस। कोई नहीं, ठीक है, तो ये बुके रिसीव करने के लिए हम पूरा रेडी सेडी होके आए। नहीं, ये बुके के लिए हम पूरा रेडी सेडी होके आए। थैंक्स फॉर द बुके। नहीं नहीं, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना गाइस। थैंक्स। तो फिर हम घर जाएं ना, हम निकलते हैं। घर के काम है। काम क्या है? रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे, है ना? आज बाहर चले जाते हैं। नहीं नहीं, ये बुके के अनुसार तो पार्टी बहुत हाई बजट हो जाए। चलिए फिर भी कोई ढाबे साबे पे खिला देते हैं आप लोगों को। देखिए उधर केला लगा हुआ है। ढाबे पे नहीं, कोई अच्छा गोलगप्पा खाइएगा। लड़कियों का फेवरेट तो गोलगप्पा होता है। गोलगप्पा में तो काम चल जाना चाहिए। कल बिरयानी खिलाएगा गोलगप्पा। अब ये भूखे के अनुसार एक गोलगप्पा तो काफी होगा इन लोगों के लिए, है ना? मैं जैसे गिफ्ट दूंगी वैसे मिलेगा, तो फिर गिफ्ट क्यों? मैं उसको ऐसे कुछ खा नहीं लूंगी। इतना घुमा के क्यों जाऊँ? मैं सीधे रास्ते से चली जाऊंगी, गिफ्ट का पैसा लेके सीधा बिरयानी खा लेंगे। तो फिर बुके आपने क्यों लिया? मतलब आपको बिरयानी खाने के लिए? तो आपने मन से बुके दी हो, तो आपको भी मन से बिरयानी खिलाना चाहिए ना, कि बुके के अनुसार बोल सकते हैं। और वैसे बुके कितने का? 500 का। ठीक है ठीक है, यहाँ बुला के बेइज्जती मत करिए। चलिए कुछ खा लीजिएगा। ठीक है चलिए, आप भी कैमरे बोल रहे हैं कि इतना सा बुके गाइस, चलिए आप भी कुछ खा लीजिए। देखो अभी इसका पोल खुल रहा है ना, तो अभी मेरा मुँह बंद है। तो बुके कितने का? 500 का है। तो दो प्लेट बिरयानी आप कितने खिलाते हो? चलो कोई बात नहीं, ये नहीं देगा तो हम लोग ले चलते हैं इसको, ठीक है? सो गाइज अभी तक तो हमें लगा था ऐसा कुछ कि ये लोग मेरे लिए कुछ प्लान किए हैं या फिर ऐसा कुछ लग रहा था, लेकिन अभी शायद फाइनल हो गया, कंफर्म हो गया कि ये लोग कुछ ऐसा नहीं किए हैं, ठीक है। फालतू का मेरे को बुला लिए और एक बुके दे के बेइज्जती करके, और अभी बोल रहे हैं कि पार्टी दो, ठीक है। तो इससे ज्यादा और क्या करें यार, बर्थडे में तो भूखे ही दिया जाता है। कोई नहीं, चलिए इन भूखड़ों को हम ही पार्टी दे देते हैं ना। चलिए आप लोगों को हमारे तरफ से आज पार्टी, बर्थडे पार्टी। क्या खिलाओगे? जो खाना चाहो खा लेना आप। कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहाँ चलिएगा बोलिए। जो जो कैफे में हम लोग पिछले बार गए थे ना, वहाँ। अच्छा, ओके चलिए फिर उसी कैफे में आप लोगों को खिलाते हैं, आप लोगों का भी मंसूबा पूरा कर देते हैं। जो खाना हुआ खा लीजिएगा। तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं कैफे। तो पार्टी इसमें अनाउंस करने वाले के जिसका बर्थडे होता है वो उसको पार्टी देना ही होता है। हाँ तो दे रहे हैं, तो इतना बोलना क्या है? क्या वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतना रेडी हो गए क्यों आए हो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो क्या कहते हैं यार, रेडी क्या है, ऐसे ही फॉर्मल पहन लिए यार। मेरा बर्थडे है, कोई मिल गया, कोई मतलब मेरे चाहने वाले मिल गए। चाहने वाले? यस, मतलब मेरे वीडियोस वगैरह को देखते होंगे, कोई मेरे से आके वो सब तो ठीक है, लेकिन बोलेंगे ना यार क्या बर्थडे तो थोड़ा अच्छा। आप कुछ सोचे वोचे थे क्या कि मतलब इतना रेडी वेडी हो क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि भैया आपको नहीं लग रहा है?
मुझे कैमरा पकड़ना नहीं, कैमरा घुमाना नहीं आता यार, मैं बैक कैमरे से शूट नहीं करती हूँ, तो मैं क्या करूँ? चलो कोई बात नहीं, हम लोग केक कटवा देंगे, है ना? मैं क्या बोल रही हूँ, साला लग रहा आज मैं बैम कर रहा कुछ, कोई बोला केक कटवा देंगे, कोई कह रहा मतलब, अरे मुझे बोलने दो, हम इनको बोले थे कि प्रशांत जी आपके लिए एक सरप्राइज है, ठीक है, तो पूरा मतलब रेडियो क्या गया, पूरे एकदम फॉर्मल वगैरह पहन के, तो क्या सरप्राइज होगी यार, आप 200 बुके ले गए, मैं इतना प्यार से, और ये बोले इतना सा गिफ्ट, मतलब ये सोचे थे कि मैं फूलों का बगान लेके आऊंगी, ऐसा कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे बस। क्या यार, आप कुछ तो एक्सपेक्ट किए थे, वरना आप इतना रेडी सेडी होके क्यों आते हैं? रेडी सेडी क्या होगी, क्या व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन ले तो रेडी सेडी हो गए, वो अलग बात है कि हमको ज्यादा हैंडसम लगते हैं ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ ज्यादा ही रेडी सेडी हो, मेरा रेडी होके आना बनता था, ठीक है, क्योंकि ये आज पार्टी देंगे तो आप रेडी होके कहा, नॉर्मली तो देख रहे हो जैसे डेली देखते, ये तो बेइज्जती हो गया भारी। मेरा बोलने का मतलब है कि नया ड्रेस, क्या नया ड्रेस, नया है आपका, तो पहले भी देखे सर, एक दिन और पहने थे ब्लैक, अच्छा वो दूसरा था, लेकिन ये पुराना टाइप की लग रहा है, डुब्बा बहुत प्यारी दिख रही है ना भैया, तो सच ही बोलते हैं उसमें, आज बस बर्थडे है इसलिए छोड़ रही हूँ, ठीक है, पता है इसको आज कुछ भी मतलब कुछ भी मना करो, आज मेरा बर्थडे है तो इसलिए बेचारे को, तो यार बर्थडे ही इतना तो माफी, ठीक है उड़ा लो मजाक, सबका बदला कर ले ही लूंगी, बाकी अभी पार्टी देने जा रहे हैं, और इन्होंने असली बात ये कि मैं आप लोगों को भी बोली थी ना कि कुछ सरप्राइज है, लेकिन यार सरप्राइज मतलब ओके, और क्या देंगे यार बर्थडे में, लेकिन ये शायद कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिए थे मेरे से, तो कोई बात नहीं, आपको वैसा वाला सरप्राइज भी कभी ना कभी ऑब्वियसली देंगे, फिलहाल तो बुके, और no need of that. अभी ये पार्टी देंगे हम लोग को, मुझे और भैया को, और हैप्पी बर्थडे, कितना बारी हैप्पी बर्थडे बोलिएगा तुम यहाँ, आज आपका बर्थडे है पूरा दिन बोल सकते हैं, बर्थडे के अलावा कुछ बोलिए आप, हाँ यार बर्थडे के अलावा मैं कुछ भी नहीं बोली, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, एक चॉकलेट भी देती है तो बोलती है थोड़ा सा खा बाकी मेरे को दे दे, बर्थडे इसलिए बर्थडे में काल सुना अलाउड नहीं रहा था, तो क्या सुना अलाउड रहता है गाइस, तो हम ये लोग लेके आ चुके हैं खाने के लिए, ठीक है, जो भी बजट आए ठीक है उसका कोई टेंशन नहीं है, इनको हम पहले ही बोल चुके हैं जो भी ऑर्डर करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं है, जो मेन्यू में जो अच्छा लगे, हम इनको बोले क्या खाइएगा तो बोले जो आप खाओगे, तो फिर हम बेटर को बोले बेटर मेन्यू प्लीज, तो बोल दिया मैं भी मेन्यू खाऊंगी, मतलब गाइस यहाँ पे हम इतना कुछ ऑफर कर रहे हैं इन लोगों को, तो इन लोगों को मेन्यू खाना है, बताओ दिखाते हैं आप लोगों को, बाकी डेकोरेशन कैसा है वो आप लोग से बताना।
fresh on the beat. आज मेरा बर्थडे है या नहीं है ये तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी मतलब शुरुआत से वहाँ से एक्सिस मॉल के पास से ही मतलब बेइज्जती करके लाया जा रहा है वहाँ से मतलब यहाँ तक बेइज्जती किया जा रहा है। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा बर्थडे है भी या नहीं। लेके आ रहा है गाइस। तो अभी ये पूरा बहुत अच्छा लगा, काफ़ी प्यारा सरप्राइज था वो तो आप लोगों को दिखा रहा है। मेरा भी बाल बहुत गंदा काटा है यार, लेकिन क्या करें, मैनेज करके चलना पड़ता। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना सबनम जी का सरप्राइज कैसा लगा आप लोगों को। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप लोग कभी ऐसा सरप्राइज चाहिए तो मुझे जीपे करिए जी। What do you mean जीपे करिए? बोलती है ये तो ऐड था ना आपके थ्रू, मेरा न्यू बिजनेस है क्या यार, मतलब दिल तोड़ दिए यार, मतलब इतना अच्छा सरप्राइज दे के उसके बाद बोलते हो कि ये ऐड था, प्रमोशन था। क्या कर क्या रहे हो यार? अभी हम लोग फायर गन मारे आसमान में, एकदम पूरा इलाका धुआं धुआं का। अरे ये इलाका धुआं धुआं के लिए जाता है जिसको फायर। म्यूजिक बंद करवा यार, कॉपीराइट लग जाएगा। कोई नहीं गाइस, कॉपीराइट लगेगा फिर भी ब्लॉग को डालेंगे और हम कुछ भी म्यूट नहीं करने वाले क्योंकि हमें पैसा नहीं चाहिए था गाइस, हमें चाहिए आप लोगों का प्यार। ये हंस क्यों रही है? इन लोग खिला चुके हैं पहले, मेरे को नहीं पता था कि ये लोग सरप्राइज देने वाले हैं। क्या यार गद्दार है ये लोग यार, खाने के बाद बोल रहे कब खिलाए ये लोग को। एक्चुअली ये लोग को सी फूड खिलाए हम, ठीक है, प्रॉन खिलाए। और ये लड़की फिर उसके बाद वो उससे पेट नहीं भरा तो हक्का नूडल्स खाई है, हक हका के, हक्का नहीं हक्का नूडल्स बोल रहे हैं कुछ भी एकदम। बाकी गाइस हमें सबसे ज्यादा मजा आया फायर गन मार के। फायर गन मार के मजा आया कि नहीं आपको? नॉर्मल है यार ये सब तो, मतलब हर एक ओकेशन पे कोई ना कोई मुझे गिफ्ट करता ही रहता है, मतलब कोई ना कोई सरप्राइज करता ही रहता है, तो ये सब तो नॉर्मल है मेरे लिए। कौन थे वो लोग यार? मतलब यार कोई भी ऐसा सरप्राइज देता है तो हम सब शोकेस नहीं करते, मतलब ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं करते सभी चीज़ों का, तो वो सब हम ऐसे ही मतलब प्राइवेटली मना लेते हैं, प्राइवेटली सेलिब्रेट कर लेते हैं, लोगों को नहीं दिखता है, तो इसलिए आप लोग को नहीं पता है कि हमें ऐसा सरप्राइज मिलते रहता है। तो ये सब गाइस नॉर्मल सरप्राइज है, बाकी हम ऐसा तो नहीं बोल रहे ना बहुत गंदा है, अच्छा है सरप्राइज, अच्छा है, लेकिन और भी अच्छा हो सकता था। अच्छा, सो फाइनली हमारा सेलिब्रेशन कंप्लीट हुआ और अभी हम लोग ओजी बाय द लेक के बाहर चिल मूड में हैं पूरा एकदम देखा जाए तो, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अभी हम लोग एसी के अंदर से निकले हैं लेकिन बाहर निकलने के बाद भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि गर्मी है, क्योंकि ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। देख सकते हो आप लोग साइड में लेक है, ठीक है, तो लेक के पास तो आप लोग समझ ही सकते हो पानी के साइड हवा कैसा चलता है, वैसा ही हवा चल रहा है, बहुत प्यारा। और इधर चल रहा है फुटबॉल मैच, ये देख सकते हो। तो वंस अगेन गाइस थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली विशेस, बहुत अच्छा लगा मेरे को आप लोग इतने अच्छे प्यार से विश किए, इतना सारा स्टोरी लगाए, इतना सारा टैग किए, मेरा पिक एडिट करके बहुत सारा कुछ किए, और वो भी इतनी रात को जाग के, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, मतलब 12 बजे रात तक जाग के स्पेशली मेरे बर्थडे के लिए,
वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और बर्थडे के बाद अब हम लोग बहुत क्लोज है अपने प्रशांत राजपूत वाले चैनल पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में। हमारे प्रशांत राजपूत चैनल पे बहुत जल्द 10 मिलियन कंप्लीट होने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहना।